बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 90 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बमबाट हैं। पिछली वीडियो में आप दोस्त कह रहे थे कि वाह भाई आज आपने बमबाट नहीं बोला। भाई मैं बमबाट था ही नहीं पिछली वीडियो में, आपको पता है तबीयत ख़राब थी तो बमबाट बोलता कैसे। यार गर्मी एक बार फिर से जाते जाते वापस आ गई। हालांकि मैं सोच रहा था कि अब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी गर्मियाँ फिर वापस आ गई हैं और इस वक्त भी पसीने से बुरी हालत हो रही है मेरी। गर्मी तो आती जाती रहती है, लेकिन हम रेसिपी ज़रूर बनाएंगे और आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं मज़ेदार डिलीशियस चिकन नगेट्स। ना सिर्फ बनाएंगे बल्कि नगेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। पहली बार मैं ये ट्राई करूंगा और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम इनको बहुत अच्छा बनाएंगे। तो चलिए बाजार से जाके चिकन लेते हैं, उसका कीमा बनवाते हैं, फिर जो बाकी प्रोसेस है वो घर पर आकर करते हैं। तो यार चिकन जो हमने लिया था उसका कीमा हमने बनवा लिया है और अभी हम घर पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके बाकी का काम करते हैं नगेट्स बनाने के लिए। तो यार ये सारा सामान हमने ला के रख दिया है। चिकन है और ब्रेड हमने ले ली है जो कि यूज़ करेंगे हम नगेट्स का बैटर बनाने के लिए। अंडे हमने इस्तेमाल करने हैं, नमक मिर्च मसाले वगैरह सब कुछ हमने ला कर रख दिया है। सबसे पहले दोस्तों हमने ब्रेड्स के साइड्स को अलग अलग कर लेना है, काट लेना है ऐसे। इसी तरह सारी ब्रेड को हम बना लेंगे। यार सारी ब्रेड की साइडों को हमने काट लिया है और अब हमने करना यह है कि सारी ब्रेड को हमने क्रश करने हाथों से ही कर लेंगे। वैसे हम ब्लेंडर से या चॉपर से भी कर सकते हैं, चॉपर है नहीं मेरे पास इसलिए तो कीमा मार्केट से बनवा कर लाया हूँ, लेकिन यह कि हाथों से भी बेहतरीन हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं ऐसे। ये जो ब्रेड का वेस्ट है ना इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम अपनी मुर्गियों को खिला देंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन के अंदर हम डालेंगे मसाले। लाल मिर्च ऐड कर ली हमने, काली मिर्च है इसको भी हम ऐड करेंगे। नमक डालेंगे। ये है सोया सॉस जो कि हम ऐड करेंगे। मैं आइडिया से डाल दूंगा 3 से 4 चम्मच। 6 अंडे हम ऐड करेंगे। अब हम इस सारे बैटर को जो है वो अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने ऐसे मिक्स करना है कि सारे जो मटेरियल हमने ऐड किए इसमें वो यकजा हो जाए। तो यार नगेट्स के लिए बैटर हमने बना लिया, इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे फ्रीज़र में और उसके बाद फिर इनके हम स्लाइसेस बनाएंगे। तो दोस्तों तकरीबन 45 मिनट हमने फ्रीज़र में रखा है नगेट्स के बैटर को और अभी हमने इसके स्लाइसेस बनाने हैं और स्लाइसेस कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बैटर को फैलाते जाएंगे, स्प्रेड करते जाएंगे, जैसे हम पिज़्ज़े की डो बनाते हैं। और अब हमने छुरी की मदद से ऐसे स्लाइस काटने हैं। दोस्तों हम इसी तरह इन नगेट्स को बनाएंगे, स्लाइसेस की शेप देंगे और फिर बाहर अपने ओपन एयर किचन में जाके इनको फ्राई करेंगे। तो फाइनली दोस्तों नगेट्स हमने सारे काटे और अभी हमने इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। 1 घंटे के बाद ये जब फ्रीज हो जाएंगे फिर हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। चलो भाई आते साथ ही नुकसान हो गया हमारा, जो अंडे हम लेकर आए थे ना वो तो गिर गए, इससे पहले कि ऑयल भी गिरे। पकड़ो यार पकड़ो पकड़ो। लगता है आजकल वाकई नज़र लग गई। अभी वीडियो के स्टार्ट में ही हमें नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज की तारीख में दुआ करें चूल्हा जला लूँ मैं। ओह फाइनली आग जला लिया भाई। अंडे जो है बस इतने बचे थे, तो मिनी जू में 2 अंडे रखे थे मुर्गी के, वो मैं लेकर आ गया। यार माशाल्लाह नगेट्स बहुत अच्छे से हमारे तैयार हो रहे हैं। इनको हम प्लेट में डालते जाएंगे और इसी तरह हम फ्राई करते जाएंगे सारे नगेट्स को। चलो अभी चलो नगेट्स वाले आ जाओ भाई, नगेट्स वाले आ जाओ भाई। अरे बिचारा तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो नगेट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त पे ये सारा काम करना कोई आसान काम नहीं है। सर चखिए गर्मा गर्म चिकन नगेट्स। हेलो जी, हेलो भाई साहब बहुत अच्छी बनाई है भाई, वाकई बहुत मेहनत करी यार। वैसे मैंने आज चखा भी नहीं है, मैं तो ट्राई करूँ कैसी बनी है। बहुत आला बहुत आला। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमने नगेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।